मैं दीपा खुराना आपका स्वागत करती हूँ घर का खाना में। आज हम बनाएंगे इजी एंड टेस्टी मिक्स वेज मशरूम सूप। तो देखते हैं हमें इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए मशरूम, टमाटर, पत्ता गोभी, गाजर, फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च, लहसुन और हरा धनिया। सारी सब्जियों को हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, विनेगर, कॉर्नफ्लोर, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक और ऑलिव ऑयल। तो हम सूप बनाना शुरू करेंगे। गैस ऑन करेंगे, पैन लेंगे, दो चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बारीक कटे हुए लहसुन डालेंगे। लहसुन को 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। 30 सेकंड हो चुके हैं, अब हम इसमें बारीक कटे हुए गाजर डालेंगे, फ्रेंच बीन्स डालेंगे, मिला लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। एक मिनट हो चुका है, अब हम इसमें बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डालेंगे, मिला लेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, इसे भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। एक मिनट हो चुका है, अब हम सब्जियों को थोड़ा सा साइड कर लेंगे। टमाटर डालेंगे, टमाटर को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। एक मिनट हो चुका है, अब हम सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। मशरूम डालेंगे, मिला लेंगे, मशरूम को अभी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। मिला लेंगे, पानी में 1 उबाल आने तक इसे पकने देंगे। अब हम कॉर्नस्टार्च तैयार कर लेंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, पानी डालेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें सॉसेस डालेंगे। 2 चम्मच टोमेटो सॉस, 2 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच विनेगर, 1 मिला लेंगे। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हमने जो पेस्ट तैयार किया है वो हम इसमें डालेंगे। 2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच, मिला लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट उबलने देंगे। चार मिनट हो चुके हैं, हमारा सूप बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस बंद करेंगे और सूप को सर्व करेंगे।
तो तैयार है हमारा इजी एंड टेस्टी मिक्स वेज मशरूम सूप। अब इसे बनाकर गरम गरम सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।